लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। धनबाद में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अचानक बिना नोटिस के मिनी बस को पकड़ने लगे, जिससे बस में बैठे सवारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बस से जिला प्रशासन द्वारा उतारे गए महिला, जिसकी उम्र लगभग 70 से 80 वर्ष होगी, उनसे जब मीडिया के लोगों ने पूछताछ की तो जिला पुलिस के जवान मीडिया पर ही भड़क गए और मीडिया के लोगों को कैमरा बंद करने की धमकी देने लगे। लेकिन मीडिया से काफी तूतू मैमे होने के बाद सभी जवान उक्त स्थल से भाग खड़े हुए। बस से उतारे गए बुजुर्ग महिला की माने तो धनबाद से फुसरो जा रही थी, अचानक रांगा टांड के पास गाड़ी से पुलिस ने उतार दिया। महिला ने यह भी कहा कि अब धनबाद से फुसरो जाने में काफी परेशानी होगी, क्योंकि अब फुसरो जाने के लिए एक भी गाड़ी धनबाद से नहीं है। बस में बैठे हुए थे, बस में पकड़े बस बैठे हुए थे, पुलिस लोग उतार दिया आपको? हाँ, सब पकड़ लिया, सब उतार दिया। हाँ, कैसे जाइएगा आप? वही महाराजा बस के एजेंट मनोज कुमार सिंह और महाराजा बस मालिक के दोस्त संजय कुमार की माने तो आज सुबह 9:30 बजे धनबाद से फुसरो के लिए सवारियों को लेकर निकले थे। धनबाद स्टेशन से निकलते ही रांगा टांग के पास जिला प्रशासन के जवानों ने अचानक गाड़ी को रोक दिया और बस में बैठे सभी सवारियों को उतारकर बस को पुलिस लाइन लेकर चले गए। एजेंट ने यह भी बताया कि DTO द्वारा 13 तारीख को बस जिला प्रशासन को देने की नोटिस मिली थी, लेकिन जिला प्रशासन के जवानों ने जबरन आज अचानक बस को पकड़ लिया। साथ ही एजेंट ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में जिला प्रशासन को बस दी गई थी, जिसकी राशि आज तक भुगतान नहीं हुई है और आज जिला प्रशासन ने जबरन गाड़ी को पकड़ लिया और सवारियों को बीच सड़क पर ही छोड़कर चल दिए। एजेंट ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लोकल बस मालिकों को जिला प्रशासन काफी परेशान करती है। माल लोड के अंदर बस में जबरदस्ती बस को रोक दिए और बोले कि खाली करो, सवारी को खाली कर दिया सर, माल देखे दिया गया था कुछ नहीं। 13 तारीख का नोटिस दिया हुआ कि 13 तारीख को गाड़ी जमा करना।